नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपको हमारे एक नए वीडियो में। आज का वीडियो में दोस्तों हम आपको बताने वाले हैं कि मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के लिए गाइस हमें कौन कौन सा लाइसेंस को लेना पड़ता है। दोस्तों अगर आप, बहुत सारे दोस्तों का कमेंट आता है कि मस्टर्ड ऑयल पैकिंग का बिजनेस करना चाहते हैं या खाद्य पदार्थ का बिजनेस अगर करते हैं दोस्तों, किसी भी प्रकार का खाने वाला पदार्थ अगर दोस्तों पैकिंग करके उसे आप अगर होलसेलर दुकान में बेचते हैं दोस्तों, आप पार्टी को बेचने के लिए देते हैं, आपको कौन कौन सा लाइसेंस की जरूरत पड़ेगी दोस्तों, आज की वीडियो में हम पूरी डिटेल्स आपको बताने वाले हैं दोस्तों। तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें दोस्तों, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिए। दोस्तों अगर आप मस्टर्ड ऑयल का पैकिंग करते हो दोस्तों, आप पैकिंग करने के लिए अगर सोच रहे हैं इस विषय में दोस्तों, आप मसाला का काम करना चाहते हैं दोस्तों, अगर खाने वाला वस्तु दोस्तों, अगर खाने वाला चीज का कुछ भी आप अगर पैकिंग करना चाहते हो तो दोस्तों आपको FSSAI कोड जरूर लेना पड़ता है दोस्तों। FSSAI कोड का फुल फॉर्म बता दें दोस्तों, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया होता है गैस जिसका फुल फॉर्म दोस्तों। और ये लाइसेंस दोस्तों हमें जरूर ही लेना चाहिए गैस, बिना ये लाइसेंस का दोस्तों आप फूड को या दोस्तों कुछ भी मसाला को, तेल को पैक नहीं कर सकते हो दोस्तों। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया दोस्तों FSSAI कोड 14 अंक का कोड होता है दोस्तों। ये FSSAI कोड दो प्रकार का होता है गाइस, इसे लेने के बाद दोस्तों हमें आदेश मिल जाता है कि आप खाने वाला सामान को, मस्टर्ड ऑयल मसाले को पैक करके आप इसे दोस्तों अपना स्टिकर या दोस्तों रेपर या लेबल में आप 14 अंक का दोस्तों FSSAI कोड डाल के इसे सप्लाई कर सकते हो गाइस। बिना FSSAI कोड का दोस्तों अगर आप काम करते हो तो एक बार दोस्तों अगर आप पुलिस छापा मारे दोस्तों तो आपको अच्छी खासी पेनल्टी भरनी पड़ेगी दोस्तों। तो आप मैन्युफैक्चरिंग का काम है दोस्तों, अगर फूड का काम करते हो तो आपको फूड लाइसेंस का 100% जरूरी है दोस्तों। और ये फूड लाइसेंस दो प्रकार का होता है गाइस, एक रजिस्ट्रेशन होता है दोस्तों, एक लाइसेंस होता है। और अगर हम रजिस्ट्रेशन की बात कर लें दोस्तों, अगर 12 लाख से कम का आपका दोस्तों अगर सालाना दोस्तों है टर्नओवर तो आप रजिस्ट्रेशन कर दोस्तों। अगर 12 लाख से ज़्यादा का टर्नओवर दोस्तों आपका है अगर साल में, तो आपके लिए लाइसेंस जरूरी पड़ जाएगा दोस्तों। अगर आप रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं दोस्तों तो 2000 के आसपास आपका खर्चा पड़ेगा दोस्तों, इसमें आपका लाइसेंस हो जाएगा और 14 अंक का FSSAI कोड मिल जाएगा दोस्तों। उसके बाद आप अपना लेवल में इसे लगा कर सप्लाई कर सकते हो दोस्तों, अपना काम आप कर सकते हो। अगर एक लाइसेंस होता है दोस्तों जिसमें 6 से 7 हज़ार रुपया खर्चा पड़ता है, अगर आपका 12 लाख से ज़्यादा 12 करोड़ तक का अगर आपका ट्रांजैक्शन दोस्तों, तो वो स्टेट लेवल पर होता है दोस्तों लाइसेंस, जिसे FSSAI कोड का लाइसेंस होता है। उसके दोस्तों पानी भी चेकिंग होती है, आपका लेआउट चेक किया जाएगा दोस्तों, आपका मशीन कहाँ पर है, कितना लंबाई है, कितना चौड़ाई है दोस्तों, आप अगर पैक करते हो तो कितना लेबर रखे हो, कितना स्टाफ रखे हो, आप अगर खाने वाला सामान पैक करते हो दोस्तों तो हाइजीन का कितना ध्यान रख रहे हो दोस्तों। हाइजीन क्या होता है गाइस, अगर आप फूड लेबर में दोस्तों कुछ पैक करते हैं हल्दी मसाला तेल का दोस्तों, हाइजीन मतलब होता है दोस्तों आप साफ रख रहे हो कि नहीं, क्योंकि दोस्तों पैक होती है तो पूरा स्टेट लेवल में दोस्तों सप्लाई करते हो, तो इसे लोग दोस्तों यूज करते हैं, तो गाइस पूरा सरकार इसमें सेफ्टी की ध्यान देती है दोस्तों। तो फूड बिना FSSAI के आप फूड का काम नहीं कर सकते हो दोस्तों। तो आज की वीडियो दोस्तों आपको एक कैसा लगा वीडियो, अगर वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा दोस्तों। इसी प्रकार के वीडियो गाइस हम और बनाएंगे दोस्तों, FSSAI के कोड के बारे में दोस्तों, इससे रिलेटेड दोस्तों और सारी वीडियो मेरे इस चैनल पर आने वाले हो, सभी वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए दोस्तों। चलते दोस्तों मिलेंगे वाले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।